प्रभारी दीपक वेदवान बागपत मनोज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का पश्चिमी का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय हम खोल रहे हैं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, माननीय शैलेश जी हैं, बलरामपुर से विधायक हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में सेवाराम जी हैं जो पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सभी की उपस्थिति में ये जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जो चलाई जा रही है ये हम लोगों तक प्रॉपर जनता तक पहुँच नहीं पाती। इसका कई कारण तो कई ये था कि हम लोग इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते और कमियाँ निकल जाती हैं फिर जो भी गवर्नमेंट होती है कि भाई वो गवर्नमेंट है ये चीज़ चलाई लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पानी वाली बात नहीं। इसका हम लोग इस चीज़ को देखें और सारी चीज़ देखने के बाद में ये पता करें कि कौन सी योजना किसके लिए है, किसका लाभ क्या है, लेकिन वो हम देख नहीं पाते। इसके लिए योजना चलाई गई है, एक अभियान है कि हम लोगों तक जाएँ, जन जन को ये चीज़ें बताएं कि ये योजनाएं किस लिए है, इनका लाभ क्या होता है। इसी को देखते हुए ये आज हमने ये कार्यालय क्षेत्र का खोला है और इसी के माध्यम से हम लोगों तक जाएंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों को हमें बतानी है और हमारी ये जो समाज सेवाएं हैं हर घर तक, हर लोगों तक, हर देश के कोने कोने को जानी है। जय हिंद। उद्घाटन का कार्यक्रम है, कार्यालय का उद्घाटन है मलिक साहब के का। सब इसलिए आए, आप परिवार के सारे सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन बड़े खुशी की बात है कि हमारे देश में बहुत बड़े नेता हैं। आपको लग रहे हैं उनकी उम्र तो भले ही कम लग रही होगी लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं भाई, और उनका धोनी की क्रांति धरा पर आप सबकी तरफ से मंच की तरफ से स्वागत करता हूं कि हमारे क्षेत्र में आप भाई अपने समय दिया। आप जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रसार अभियान जो हमारा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को पहुंचाने का, उसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं सालू भाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लगातार कई बार प्रेजेंट रहे और पूर्वांचल में बहुत बड़ा नाम है और भविष्य में। अभी ये जो आपका अभियान जो आपने स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना, इसके जो कार्यकर्ता वो कैसे फील्ड में काम करेंगे, लोगों तो कैसे जा रहे हैं? हमारे यहाँ देखिए ये गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे हमारे कार्यक्रम, बूथ पे, सेक्टर पे, मंडल पे, जिले पे, आपके यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे पार्टी के संगठन होते हैं उसी तरह ये भी संगठन है, लेकिन इसका गवर्न माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ, पीएमओ के यहाँ उनका कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या दिखाना है, कैसे होना है, योजनाओं का लाभ जिनको ना मिल रहा हो उनके लिए हम अधिकारियों से बात करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जो इससे जुड़े हुए हैं वो जाकर के काम करेंगे। ये आपको इस समय बताना कि अभी आपको दिख रहा होगा कि पश्चिम में कार्यालय का उद्घाटन, कहीं ना कहीं कार्यालय तो बनते रहते हैं, ये नहीं कि योजना काम नहीं कर रही है। योजना हमने कहा ना 22 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर जी, आप भी सब लोग जानते हैं कि आप भी जनप्रिय नेता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो अब की बार 2019 में क्या देख रहे हैं कि लोनी का जो सपना लेके आप बाहर निकले थे लोगों तक पहुंचा है, आप क्या सोचते हैं अब 2019 में क्या ये बरकरार रहेगा? लोनी का तो आपको दिखाई दे रहा है कि सारा जो परिवर्तन हुआ है बहुत तेजी के साथ, लोनी से पलायन शुरू हो गया था, लोनी के अंदर लोग वापसी आ रहे हैं, लोनी के अंदर भय का माहौल था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, शिक्षा के नाम पर 14 लाख की आबादी में डिग्री कॉलेज नहीं था, चिकित्सा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, बिजली के खंभे तक नहीं थे, गड्ढे थे सड़कों में, तो तमाम बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, अब घरों में हमने अभी 40,000 कनेक्शन दिए इसकी ओर के, तो बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया उसमें लोनी के लिए बड़ी बात यह है कि 40% जो काम है पूरी लोकसभा का, जो पांचों लोकसभा हमारे पांचों विधानसभा हैं लोकसभा में, उनमें 40% केवल लोनी के लिए काम हुआ है, तो ये सरकार
सरकार जो काम कर रही है उससे लौड़ी के लोग निश्चित तौर पर 2019 में एक तरफा वोट देने का काम करें। जो गठबंधन अभी जो हुआ है, गठबंधन जिसको आप कुछ और नाम देते हैं, उसके बारे में क्या कहना है, किससे कितना प्रभाव आपके संगठन पर पड़ेगा? बताया ना, जनता बहुत जागरूक है, सभी लोग मिलकर के इतना वोट देंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती की 0 सीट आई थी, समाजवादी पार्टी की बेईमानी करने के बाद बड़े मुश्किल से 5 सीट बसी थी। इस बार बड़ी बात यह है कि ये सारे हारने वाले हैं, सोनिया जी और राहुल जी हारने वाले हैं। आप नोट कर लो, ये मैं कह रहा हूँ, इस तरह का माहौल है, लोगों से लोगों नफरत हो गई है। जो लोग सेना के लिए, इस देश के लोग, इतने राष्ट्रभक्त हैं, जो भारत विस्फोट हो रहा हो, ऐसे लोगों के कारण ही तो हम लोग बहुत पिछड़े, आज दोबारा से हम लोग बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी जमानत होगी, इस बार राहुल जी और सोनिया जी भी आने वाले हैं। पूरा देश देख रहा है कि ये सेना के लिए क्या बकवास कर रहे हैं। सेना के लिए होना तो ये चाहिए था कि जो काम हुआ है, जो सेना ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तमाम योजनाएं, उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। अभिनंदन के आने के बाद ये लोग सवाल कर रहे हैं, तो इन्हें तो और ज़्यादा अभिनंदन करना चाहिए था, तो अच्छा लगता कि हम अपने सैनिकों का कर रहे हैं, ये उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सेना पे, थल सेना के, जल सेना के हमारे सारे सेनाध्यक्ष उस बात को कह रहे हैं कि वो आज मोबाइल थे, और ये लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है पाकिस्तान से, और ये इनकी भी इस बात की जांच होनी चाहिए। कश्मीर होकर आया था, वहाँ हमें पता चला जो अंदर की इंटरनल रिपोर्ट आई कि जो अलगाववादी हैं, ये बहुत मोटा पैसा लेते हैं पाकिस्तान से, और केवल पैसे के लिए लड़ाई है और कुछ नहीं है। वहाँ सेंटर बना लिए जाते हैं तो उनको भी पैसा मिलता है, तो उस चीज़ को ब्रेक कर दिया गया है। अब बौखलाए घूम रहे हैं, और आज कश्मीर के अंदर आप देखिए सबसे ज़्यादा शांति अगर कहीं है तो जम्मू और कश्मीर में, और उनको फ्री कर दिया गया है। जो वहाँ का आम नागरिक है, हम उनके बीच में गए थे, उनके जो शहीद हुए थे औरंगजेब उनके परिवार से मिले थे, उनकी मदद भी की थी। तो आम आदमी ने कहा कि जितना विकास भाजपा के आने के बाद हुआ है, बाढ़ के दौरान हमारी मदद हुई है, तो आम जनता चुनाव हो जाए तो पता चल जाएगा सभी धर्म के लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े, तो 2019 में 400 से ज़्यादा सीट हम जीतने वाले हैं। शिवराम जी क्या कहेंगे इस मामले में, जो आप ये क्षेत्रीय कार्यालय आपने स्टार्ट किया है, तो कैसे लोगों तक ये स्कीम आप पहुँचाएंगे, जन जन तक क्या रणनीतियाँ आपकी हैं? अभी माननीय अध्यक्ष ने बताया कि अभी संगठन खड़ा करने की सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी संगठन खड़ा करनी है, उसके बाद में जो इसके पात्र लोग हैं उनका पहुँचने के लिए आप जैसे मीडिया कर्मियों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, कुछ हमारे स्तर से मिलेगी, उन्हें तक पहुँचेंगे, उनकी जो सही लाभ है उनको दिलवाएंगे, अधिकारियों से मिलेंगे। जितने हमारे से प्रयास होगा, सबसे पहले हमारा प्रयास संगठन खड़ा करना, जो भी जिम्मेदारी हमें अभी मिली, इसलिए सभी का सहयोग चाहिएगा। और जो जहाँ तक विकास का काम है, विकास का काम माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय विधायक ने बता दिया है, आप लोगों को पूरी समय उनके साथ जुड़ने का पूरा प्रयास करना।